साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं LRC डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आई थी 8244 सीटों के लिए बिहार अमीन का। ठीक है, तो अमीन के लिए यहां पे स्पेशल सर्वे अमीन, यहां पे सी लिखा गया, ए यहां पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो स्पेशल सर्वे अमीन का जो वैकेंसीज यहाँ पर आपका निकाला गया और एग्ज़ाम जो है BCC बोर्ड जो है कंडक्ट करवा रही है। तो आज जो 16 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर जो है लीक हो रहे हैं, कई सारे ग्रुप्स में शेयर किए गए। मेरे पास भी जो है ये क्वेश्चन जो है आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है नज़र आ रहा है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे रहे थे वो जो है क्वेश्चन नंबर 12 में उनका ये क्वेश्चन था। हर स्टूडेंट का अलग अलग नंबरिंग हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसकी पुष्टि कई सारे लोगों ने जो है दिया है। और प्लस दूसरी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये लैपटॉप पे लिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये आपका जो है धांधली हो रही है। ये पहले से ही बात फिक्स थी कि आपकी हो रही है, कई सारे लोग जान रहे थे कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया जो है लग रहा है, सभी लोग दे रहे हैं, चीटिंग हो रही है। लेकिन किसी से कहीं से भी जो है कोई लीकेज नहीं हो रहा था। आपका एग्ज़ाम अगर बात किया जाए तो 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये 4 अगस्त का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा था कई सारे सेंटर का। तो 5 अगस्त से आपका जो है 14 अगस्त तक जो एग्ज़ाम हुआ वो स्मूथली हुआ, ऐसा नहीं है कि उसमें चीटिंग नहीं हुआ, उसमें भी हुआ था, लेकिन किसी को कोई कानो कान खबर नहीं गया कि पेपर वगैरह भी जो है कुछ लीक हुआ है। लेकिन जब 16 अगस्त का पेपर हुआ आज फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज़्यादा जो है लीक हो रहा है। प्लस कई सारे ग्रुप में आप देखेंगे तो आपका जो है होगा। अब सवाल आती है कि क्या एग्ज़ाम आपका कैंसिल होगा? तो देखो डियर, इस तरीके की चीज़ें कई सारे एग्ज़ाम के साथ ऑलरेडी बिहार में हो चुका है, ये इकलौता नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अछूता नहीं है कि इसके साथ हुआ ही सिर्फ और बाकी सभी एग्ज़ाम के साथ नहीं हुआ। इससे पहले जो है BCC बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, BCECE बोर्ड जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी अमीन का, कितने पोस्ट के लिए, 1767 पोस्ट के लिए। उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वायरल हुए थे। प्लस इसके बाद आपका जो है BCC बोर्ड जो है BFSC का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, जो कि 23 मार्च से जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो दानापुर का एक सेंटर था है ना, दानापुर में एक सेंटर था जिसे पूरा दानापुर का सेंटर को ही जो है सेटर लोग थे, पूरा सेंटर को ही जो है खरीद लिए थे। तो वो सेंटर को ब्लैक लिस्ट किया गया है ना, उस पर अभी भी जांच है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आज से अप्रॉक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 15 दिन पहले, आप मानकर चल सकते हो 15-20 दिन पहले एक वीडियोस मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो दानापुर का सेंटर जिस पे पूरा जो फूड सप्लाई का जो एग्ज़ाम हुआ, असिस्टेंट मैनेजर है ना, फूड कंट्रोलर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, तो उसका पे लेकर जो है जांच को लेकर जो है बात की गई थी न्यूज़पेपर में, और एग्ज़ाम में पूरा सेंटर को ही खरीद लिया। यहाँ पे तो एक पेपर लीक हुआ है ना, यहाँ पे ये पुष्टि नहीं हुआ है कि किस सेंटर से आपका लीक हुआ है। ये अगर पुष्टि हो जाए कि हाँ इस सेंटर से आपका लीक हुआ है तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन पूरा सेंटर को ही सोच लो कि पूरा सेंटर को ही मैनेज करने के बाद भी लीक हुआ और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी क्या रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं। उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 14 अगस्त को पब्लिश कर दिया गया, 14 अगस्त को उसका रिज़ल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रिज़ल्ट जब पब्लिश किया गया तो कट ऑफ देख कर सुनकर आपके होशो हवास उड़ जाएगा है ना। कई सारे लोग वैसे हैं जिनका अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ है, लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है ना, 85 प्लस कट ऑफ जो है जनरल का गया है। तो देखो, अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो आपको मौका मिलेगा और बेटर तरीके से एग्ज़ाम और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आप दोगे।
बट अगर नहीं कैंसिल होता है तो कट ऑफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, ठीक है। और ये डेफिनेटली कई सारे लोगों के द्वारा जो है कहा गया है, कई सारे स्टूडेंट लोगों ने कहा है कि हाँ सेम टू सेम क्वेश्चंस आया है और मैंने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और ये क्वेश्चंस मुझे भी देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच है कि आपका पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला आपके ऊपर और दूसरा कि जो सरकार है वो क्या चाहती है। अगर सरकार चाह गई कि आपका सिलेक्शन लेकर रहना है तो आप पेपर लीक करते करते रट्टा मार जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पुष्टि ये नहीं हुई है कि कौन सा सेंटर से लीक हुआ है। अगर किसी एक सेंटर से ये पता चल जाए कि हाँ इस सेंटर से पेपर लीक हुआ है, तब जाकर जो है कुछ एक्शन 2-3-4 महीने टाला जा सकता है एग्ज़ाम को, ठीक है। लेकिन अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि किस सेंटर से हुआ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये मैं जो अमीन का जो एग्ज़ाम हुआ है ना और BSFC का जो एग्ज़ाम हुआ, इसका जो रवैया देखने को मिला उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बातों को, अपनी राय को इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम चाहते हैं या रिज़ल्ट चाहते हैं, या फिर इस पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, या फिर जो 16 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सिर्फ कैंसिल किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। थैंक यू।